इतना अच्छा फीडबैक है कि इधर जानवर उतर रहा है और इधर वो सेल हो रहा है। ख्वातीन ने तहिया कर लिया है कि इस दफ़ा अगर कुर्बानी का जानवर लेना है तो वो रुकया फरीद फास्ट वुमेन आलमी मवेशी मंडी से ही लेना। फील्ड में मुझे अगले साल जो है अपने साथ पूरा हुजूम चाहिए कि ये भी इस फील्ड में आ गई है, ये भी इस फील्ड में आ गई है। आर्टिस्ट रुकैया गोल्ड मेडलिस्ट चेयरपर्सन रुकैया फरीद फाउंडेशन, और जैसे कि नाम से ही जाहिर है रुकैया फरीद फर्स्ट वुमेन आलमी मवेशी मंडी का आगाज़ हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो है हमारी मंडी की टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुई है और पब्लिक का रश क्या है, और लेट आवर्स में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। मर्द हज़रात भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये ऐसी ख्वातीन के लिए लिया गया है जिनका महरम नहीं है, जिनके बाप भाई जो है बैरून मुल्क होते हैं तो वो कुर्बानी के फरीजे से महरूम रह जाते हैं। ख़वातीन, एक तो हमने नया सिस्टम यहाँ रख दिया है ड्राइव थ्रू, गाड़ी में बैठे बैठे आप अपना मनपसंद जानवर ख़रीदें। अभी 3 कस्टमर हमारे इसी तरह बकरे लेके गए हैं, गाड़ी में ही बकरे रख के ले गई तो सुजुकी के किराए की भी बचत हो गई। ख़वातीन का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है, आप जैसे देख सकते दूर दूर से ख़वातीन इस वुमेन मवेशी मंडी को देखने आ रही हैं। यहाँ पर जो सीनियर सिटीज़न खातून थीं वो आईं, एक डिसेबल थी वो देखने आई, जब उन्होंने अप्रिशिएट किया तो मुझे दिली खुशी हुई कि जो मेरा कॉज था वो सक्सेसफुल रहा। हमारी बहुत सारी ख्वातीन हैं, पूरे पूरे ग्रुप्स हैं, और जिस तरह से मैं ख़ुद तो इंतज़ामिया में जो ख्वातीन हैं वो तो 24 आवर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, क्योंकि जब तक इंतज़ामिया में आप खुद नहीं हैं आप किसी पे काम नहीं छोड़ सकते। बाकी ख्वातीन की टाइमिंग्स है, और जिन्होंने स्टॉल बुक कराए या स्टॉल बुक कराना चाहती हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि ख्वातीन ज़्यादातर पर्देदार हैं, और आपको पता है हमारी सोसाइटी का कि लेट आवर्स में ख़वातीन का निकलना थोड़ा सा ममनू ही होता है, तो उनके लिए स्पेशल ये है कि वो अपने स्टॉल की टाइमिंग डिसाइड करें और अपनी टाइमिंग के हिसाब से वो वहाँ स्टॉल पे अवेलेबल होती हैं, बाकी टाइम वो अपने किसी हेल्पर को वहाँ पर बिठा कर चली जाए। ख़वातीन को मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि मैंने एक रास्ता दे दिया है, अब उन्होंने ख़ुद स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है, घरों से निकलना है और दौड़ लगा देनी इस फील्ड में। मुझे अगले साल जो है अपने साथ पूरा हुजूम चाहिए कि ये भी इस फील्ड में आ गई है, ये भी इस फील्ड में आ गई है। माशाल्लाह काफ़ी सारी ख्वातीन हैं लेकिन उनकी स्टार्ट है। अब जैसे मैंने बताया कि ऐसी ख्वातीन जो गांव देहात में जानवर पालती हैं सारा साल लेकिन प्रॉफिट कोई और ले जाता है, उनको मैंने यहाँ पर उनके जानवर मंगवाए हैं, और यहाँ की जो शहर की ख्वातीन हैं उनके भी जानवर मंगवाए गए हैं। इसके अलावा जो है वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हस्बैंड और फादर के बिज़नेस को भी प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ख्वातीन आ रही हैं, तो फीडबैक बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना अच्छा फीडबैक है कि इधर जानवर उतर रहा है और इधर वो सेल हो रहा है, और पूरे के पूरे स्लॉट जो हैं वो हमारे सेल हो रहे हैं, 1-2 नहीं सेल हो रहे, पूरे के पूरे स्लॉट। लास्ट नाइट जो है 50 बकरे सेल हो गए, 5 गायें हो गई, इस तरह से पूरे पूरे ख़ानदान यहाँ मिलकर आ रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे ट्राई करने के लिए, और ऐसी एक्टिविटीज छोटी भी जाइए तो मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत सारी फैसिलिटी नजर आई कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए इन्जॉय कर रहे हैं, और काओ एंड मेमेस को प्यार कर रहे हैं वो लोग, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये ऐसी एक्टिविटीज़ होनी भी चाहिए ना, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए और यहाँ पर इतनी सारी गाँव और गॉड्स वगैरह, हम लोगों ने उनको प्यार भी किया है, और ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सब लोग आ रहे हैं और घूम रहे हैं यहाँ पर, बहुत मज़ा आया। हाँ, इसके बाद हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट हमारे साथ रही तो हम ये पूरा एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें ख़वातीन को एक ट्रेनिंग दी जाएगी पूरे साल कि वो किस तरह से जानवरों को लुक आफ्टर कर सकती हैं, क्या उनके प्रोसेस होंगे, एक प्लेस होगी, ये पूरा एक हमारा पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है। और फिर वो हर शहर में आप देखेंगे कि पंजाब में भी हो रहा होगा, कराची में भी हो रहा होगा, और हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा होगा, उनके नियरेस्ट हो रहा होगा।